हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो बच्चों, ये मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए लास्ट मोमेंट टिप्स। क्या है कि अब तो पेपर देना ही है शुरू को तुम लोगों को, तो बस ये अभी रात में आप लोगों के लिए टिप्स मैंने डाल दिए थोड़े से। वैसे तो क्या है कि ये कोई ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे, बस क्या है कि एग्ज़ाम को आपको एग्ज़ाम के प्रेशर से बचने के थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं, बस इतना ये कर सकते हैं, ठीक है? नहीं, क्योंकि देखिएगा अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस प्रेशर में हैं कि कल को क्या होगा या कैसा एग्ज़ाम जाएगा कैसा नहीं जाएगा या अभी थोड़ी देर में एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। तो इस बात की चिंता मत करो आप कि एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। अभी तो जो आप लोगों ने पढ़ लिया बस पढ़ लिया, अब तो बस उसी को ध्यान दो जो भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, बाकी आपको किसी भी चीज़ को ध्यान देने की नीड नहीं है, ठीक है? अब जितना पढ़ना था वो तो पहले ही पढ़ लिया। अब ये तो यानी कि अभी आपको पता ही है कि ईडीडी सब्जेक्ट जो है ये कोई ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं भैया कि आप इसमें बस दो तीन मिनट में या एक दो घंटे में पोर्शन निपटा दोगे अपना। इसके लिए तो लंबी ड्यूरेशन की तैयारी चाहिए होती ही होती है। मान लो कि आप कोई भी चैप्टर ले लो, तो किसी भी चैप्टर को लेने के लिए आपको तो बहुत लंबे ड्यूरेशन की तैयारी चाहिए होती है। तो आपको तो ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं, इसमें इतने सोचने वाली बात ही नहीं। ये तो है नहीं कि अब एक घंटा बचा है, एक घंटे में कोई बहुत बड़ी तोप मार लोगे। तो अब तो बस रिलैक्स रहो, जितना हो सके जो पढ़ा है उसी के ऊपर जाओ, उसी पर भरोसा करो, ठीक है? अब ये दो तीन टिप्स ले रहा हूँ, ये टिप्स आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है? देखिएगा बच्चों, जैसे कि मान लो सबसे पहली बात तो पेंसिल के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। आप लोगों को 6B की पेंसिल लेके जानी है और उम्मीद है कि सभी लोगों ने लेकर रख ली होगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो सुबह को होगा तो 9 बजे से कौन, तब तो शॉप भी नहीं खुलती हैं। और अगर आपके पास 6B भी ना हो तो कोशिश करना कि एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल लेके जाओ। एक्स्ट्रा डार्क इसलिए क्योंकि वो पेंसिल से जो आप शीट पर डायग्राम बनाने वाले हो उसका थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा। अब मैं आपको इस क्लास में जब क्लास ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अलग बताएंगे। देखो बच्चों, मैं बताऊँगा स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी के बारे में जिसके थ्रू आप अपना समय मैनेज कर सकते हो। टाइम मैनेज करने की बात है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये डाउट है कि टाइम कैसे मैनेज करें, सर टाइम हमारा मैनेज नहीं हो रहा, डर लग रहा है हमें तो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस इसी चीज़ को लेकर के मैं आ गया हूँ थोड़ा सा दो चार टिप्स देने के लिए। टिप्स ये है, सबसे पहला तो आपको लाइक मान लीजिए सबसे पहले आपको कोई ऐसा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो सबसे ज़्यादा टाइम टेक करता हो, मोस्ट टाइम टेकिंग क्वेश्चन। मतलब सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन को शुरुआत करनी। देखिए अभी कुछ लोग सोचेंगे कि सर हमको तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बच्चों, अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो तब तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही पहले करना है। लेकिन चूंकि वो लोग जिनको अपने टाइम को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उन लोगों को सबसे पहले जो क्वेश्चन करना है वो करना है मोस्ट टाइम टेकिंग क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो सबसे पहले चुनाव करिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, देखिएगा वो क्वेश्चन सबसे पहले चुनिएगा जिसमें आपसे इस्टीमेशन और कॉस्टिंग दोनों करवाए। मतलब देखिएगा कुछ क्वेश्चन में आपसे इस्टीमेटिंग कराएगा और कुछ क्वेश्चन में आप लोगों से कॉस्टिंग कराएगा। न्यूमेरिकल की बात करें, थ्योरी की नहीं। देखिए थ्योरी तो हम लोग अपने हिसाब से बढ़ाते हैं, थ्योरी तो मान लीजिए 2 पेज की लिख दीजिए, 4 की लिख दीजिए, 6 की, 10 की, उसी को चाहे पूरी कॉपी उसी टॉपिक में भर सकते हैं चाहे तो आप, है कि नहीं? फाइनल ईयर के बच्चे हो, ये तो है नहीं कि फर्स्ट ईयर के हो, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे रहे हो, आखिरी पेपर दे रहे हो पॉलिटेक्निक का, तो कुछ ना कुछ तो यादगार बनाओ। लेकिन यादगार पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा ना लगे कि यादगार नेगेटिव बना दिया। पता लग रहा है कि नेगेटिव यादगार के चक्कर में बस स्वाहा हो गए। तो इस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग दोनों का अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए, और स्पेशली बता रहे हैं कि अगर वो न्यूमेरिकल वायरिंग का हो, मतलब इस्टीमेशन और कॉस्टिंग दोनों निकालनी हो और ऊपर से वायरिंग का भी हो, तो सबसे पहले आपको आंखें बंद करके बस उसी क्वेश्चन का चुनाव करना है, किसका, जो वायरिंग का है और इसमें इस्टीमेशन और कॉस्टिंग भी निकालनी है। अगर ऐसा आया तो बता रहे हैं, देखिएगा अभी क्या है बच्चों के चूंकि आपका सिलेबस नया है और इस नए सिलेबस से पहली बार पेपर हो रहा है, तो इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकता कि क्वेश्चन आपसे कितने कितने मार्क्स पूछे जाएंगे। ऊपर से पहले होता था आपका 100 मार्क्स का पेपर और इस बार हो रहा है 50 मार्क्स का पेपर, तो ये ना बड़े डाउटफुल चीज़ें हैं, बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा कर देती हैं कि कैसे करें कैसे नहीं करें। वरना तो मैं आपको बताऊं बच्चों कि अब से अगर आप 2000, ये लास्ट टाइम पेपर इसका 2020 में हुआ था, क्योंकि 2021 में तो ये लॉकडाउन था तो उसके चक्कर में ऑनलाइन पेपर हुआ था,
2020 में पेपर हुआ था, लेकिन वो जो 2020 वाला पेपर था वो था आपका 100 मार्क्स का। कितने का था? 100 मार्क्स का। देखो बच्चों, आप लोगों को मैं लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे जाकर के देख लो आप। मैंने जैसे अभी ये लास्ट मोमेंट टिप्स आपको दे रहे हैं, उन 2020 वाले बच्चों को भी लास्ट मोमेंट टिप्स दिए थे। आप उस पेपर को देखना, मैंने उनको जो स्ट्रेटजी समझाई थी लगभग लगभग उसी के अकॉर्डिंग पेपर आया था। मैंने उन लोगों को जो बताया था उसका एक सैंपल देखो आप, उसका एक सैंपल ये आप लोग देखो, जो मैंने आप लोग जो मैंने उन लोगों को बताया था उसका एक छोटा सा सैंपल देखो, और बाकी पूरा वीडियो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दिया है, लिंक में जाकर के देख सकते हो आप पूरा वीडियो। अगर आप उस वीडियो को देखो तो ये जरूर देख लेना कि उस वीडियो में आपको सिर्फ ये देखना है कि टाइम कैसे कैसे मैनेज करना है, क्वेश्चन की मार्किंग पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि तब तो हमारा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था इसीलिए। और अभी हमारा एग्ज़ाम है क्या बोलते हैं 50 मार्क्स का, तो ये बड़ी दिक्कत रह जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटा सा सैंपल देख लो आप। तो आप अपनी इस सीट को जिस पर आपको 6 डायग्राम बनाने हैं, तो आपको पता है 6 बनाने, तो 6 को उस हिस्से में बांट लीजिए इस तरीके से, ये एक, ये पूरा ऐसे करके, तो इसको मतलब आपको बांट लेना है बकायदा। तो ये पहले क्वेश्चन का डायग्राम, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का और छठवें का। इससे हुआ क्या कि एग्जामिनर को ऑलरेडी क्लियर रहेगा कि ये एक दूसरे से क्लैश नहीं कर रहे हैं, लाइक कि ये वाले बॉक्स में उसको पता रहेगा कि आपका जो है एक क्वेश्चन कवर किया गया है, लाइक इस वाले बॉक्स में उसको पता रहेगा कि दूसरा क्वेश्चन कवर किया गया है। और ये जो लाइन्स आप खींचेंगे ना, ये थिन मतलब थिन रखनी है, पतली लाइन, बहुत पतली लाइन रखनी है, नाम मात्र, केवल ऐसा लगना चाहिए कि आपने सेक्शन बांटे हैं, लेकिन ये कभी ना लगे कि ये मेन चीज़ है, ऐसा कभी ना लगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपके? तो इतना आप काम कर लेंगे। सबसे पहला काम यही करना है, 5 मिनट शुरू के क्वेश्चन पढ़ने को देना है, उसके बाद आप सीट के पार्टीशन कर लेना कि मुझे इतने इतने में ये डायग्राम खुद, इतना सेंस है आपके पास ना कि कैसे कैसे किस किसका करना है, पार्टीशन कर लेना है। क्लियर, इतना बात समझ आ गया फंड आपका। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 की कहानी है, अकेले चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। हाँ जी, तो बच्चों इस सैंपल को देखने के बाद आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि एक्चुअल में हमको टाइम किस प्रकार से मैनेज करना है। लेकिन ये वीडियो पूरी देख लेना जाके, मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो है, जाकर के देख लेना, टाइम मैनेजमेंट सीख लेना, मार्किंग मत सीखना, बस टाइम मैनेजमेंट सीख लेना। तो देखिएगा, अगर हमने सबसे पहले तो क्वेश्चन का चुनाव करना है ऐसे का जिसमें एस्टिमेशन और कॉस्टिंग दोनों निकल वाले और ऊपर से वायरिंग का क्वेश्चन हो, उसके बाद यदि एग्जाम में आ जाए किसी पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग का डायग्राम ड्राइंग, और अगर आपका मन हो उसको करने का तो उसकी ड्राइंग कीजिएगा। फिर दूसरे नंबर पर यदि आपसे आ जाए पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग की ड्राइंग, तो दूसरे क्वेश्चन के रूप में आप उसकी ड्राइंग कीजिएगा। अगर आपको उसको अटेम्प्ट करना है तो, अगर उसकी च्वाइस करनी है तो छोड़ देना है दूसरे नंबर पर, क्योंकि ड्राइंग बहुत टाइम खा जाएगी, कम से कम आधा घंटे से ऊपर ये खा जाएगा डायग्राम बनाने में। तो इसीलिए अगर आपको इसकी चॉइस का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता हो तो इसको तो छोड़ने में फ़ायदा है, लेकिन अगर जिन लोगों ने ये बहुत अच्छे से, क्या है कि ड्राइंग इतनी सुंदर होनी चाहिए कि, और डायमेंशन सारी की सारी लिखी होनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर अगर प्राइस वगैरह भूल जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल भैया, प्राइस जैसे आपको याद नहीं है वैसे एग्जामिनर को भी याद नहीं है, काम खत्म। उसके बाद बहुत से लोगों का सवाल है कैलकुलेटर कौन सा लेके जाना है, कोई भी कैलकुलेटर लेके जाओ, सब कैलकुलेटर अलावा कोई मना नहीं करने वाला है। ठीक है, आप कोई हैकिंग थोड़ी ना करने बैठे हो, और कैलकुलेटर से कौन सी हैकिंग हो जाएगी बाबा, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, आप सब कोई भी कैलकुलेटर लेके जाओ बिंदास एकदम। उसके बाद जैसे कि मैंने आज वाली शाम वाली क्लास में बताया था, लास्ट वाली जो क्लास हुई थी हमारी, मैंने कहा था कि सीट को मैनेज करना है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके ड्राइंग शीट पर करने वाले 3 क्वेश्चन हैं या 4 क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि ये इस तरीके से 5 mm की जगह छोड़ करके पेंसिल से एक बॉर्डर बना लेना है, और ये बॉर्डर तो तभी बना लेना जब आपका एग्जाम पेपर क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले, क्योंकि कॉपी और शीट तो पहले मिल जाएगी, तो 15 मिनट पहले पहुंच जाना और बना लेना। उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो ड्राइंग शीट पर काम शुरू करने से पहले ही, जैसे मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन लग रहे हैं ड्राइंग शीट पर करने वाले, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना, और यहाँ पर आपका वो जो नाम वाम लिखने की जगह होती है थोड़ी सी वो रहेगी, रोल नंबर डालने की जगह वो रहेगी छोटी सी यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जो भी प्रश्न करने वाले हो ड्राइंग शीट पर उसका नंबर डालना, और उसके अपने अच्छे से जो भी डायग्राम आपको बनाने हैं
वो जितने भी डायग्राम आपको बनाने हैं वो बनाइए और बना करके काम ख़त्म कीजिए। देखिए लिस्ट पर आप बच्चे इस्टीमेशन नहीं करेंगे, मतलब सॉरी शीट पर आप लिस्ट ऑफ मटेरियल्स बनाने का प्रयास ना करें। एक तो ये आपकी शीट को बर्बाद करेगा, साथ में जो काम कॉपी पर करने के लिए है, जो काम नोटबुक में करने के लिए है, आंसर शीट बुक में करने के लिए है, आप उस काम को उसी में करें। ड्राइंग शीट पर सिर्फ ड्राइंग बनाने का काम करें, क्योंकि ऐसा तो होना नहीं ना, न्यूमेरिकल तो हमारे ज़रूर आने। मान लीजिए सब स्टेशन का न्यूमेरिकल आया, तो उसका चाहे सिंगल लाइन डायग्राम पूछे चाहे ना पूछे, बना डालो सही शीट पर, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीज़ के नंबर मिलेंगे शीट पर। जितना क्वेश्चन आपने उसमें किया कॉपी में वो तो हो गया, शीट पर उसके एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। वैसे ही जैसे मान लीजिए सर्विस कनेक्शन है, सर्विस कनेक्शन का क्वेश्चन आया तो सर्विस कनेक्शन का डायग्राम शीट पर बना डालो, चाहे पूछे चाहे ना पूछे। इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। जैसे DOL स्टार्टर का डायग्राम आ गया तो उसको शीट पर बनाना है। और रही बात टाइम मैनेज करने की, तो अगर आपके इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन आए और अगर 10-10 नंबर के क्वेश्चन आए 5, तो भैया अपने 3 घंटे को, 3 घंटे में कितने होते हैं हमारे 180 मिनट, 180 को 5 से भाग कर देना, और इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी टेक मत करना, मतलब के एक पर लगभग 36 मिनट टेक करना, ठीक है नहीं, एक पर लगभग आप टेक करना 36 मिनट्स, एक क्वेश्चन पर 35 मिनट 36 मिनट 40 मिनट आधा घंटा से टेक करना। क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन आए इक्वल मार्क्स के तो बता रहा हूँ मैं, और अगर जिस प्रकार से मॉडल पेपर मैंने बना के भेजा है, लाइक 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ऐसे आए तो पहले सारे के सारे 15-15 नंबर वाले निपटाना, फिर 10-10 नंबर वाले, फिर 5-5 नंबर वाले। एक ये बस आपको एक ही फ़ायदा करेगा, टाइम मैनेज करने, बाकी कुछ नहीं है। बाकी एग्जामिनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा क्वेश्चन कहाँ निपटाया है, कौन सा क्वेश्चन कब किया है, इस वास्ते किसी को कोई लेना देना नहीं है बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बस करना क्या है आपको, करना यह है कि पहले जो ज़्यादा मार्क्स कंटेन कर रहे हैं वो क्वेश्चन निपटाइए, फिर उससे कम वाले, फिर उससे कम वाले। इस प्रकार से आपका पूरा बहुत आराम से 3 घंटे की बजाय 2 घंटा 45 मिनट में बहुत आराम से आप पेपर करके बैठोगे रिलैक्स होकर के, और बिल्कुल भी एग्ज़ाम हॉल में जब जा रहे हो आप तो इतना घबराइए मत, क्योंकि आप सब लोगों का एग्ज़ाम होगा ड्राइंग हॉल में, हर स्कूल में हर कॉलेज में ड्राइंग हॉल है, तो ड्राइंग हॉल में एग्ज़ाम होगा, और आप लोग अपने एग्ज़ाम को शीट पर या स्टूल पर बैठ के ना करें, उसको खड़े होकर करें, खड़े होकर के आप अपनी जो ड्राइंग शीट है उसको चिपका लें, ताकि आप इधर उधर भी घूम सकें। बाकी थोड़ा इधर उधर घूमोगे तो देख ही लेते हैं एक दूसरे से, ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से आप थोड़ा बहुत देख भी लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और जो टिप्स 2-4 जो भी मैंने दिए हैं आपको, वो आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में टाइम को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए फिर इन्हीं सब चीज़ों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना। बस एक ही बात है कि अपने मन पे बोझ मत रखो, अभी से बोझ रखना एग्ज़ाम के बाद, यदि एग्ज़ाम ख़राब जाए तो। वैसे ऐसा होगा नहीं कि हमारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम ख़राब गया तो फिर सोचोगे दुनिया में किसका अच्छा जाएगा, है ना। मतलब अगर आपका रोहित सर से पढ़ के भी एग्ज़ाम ख़राब जा रहा है तो फिर सोचोगे अच्छा कब जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल भी लोड मत लो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, बस आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना है। तो क्वेश्चन पहले वो करें जो ज़्यादा मार्क्स कंटेन कर रहे हैं, फिर कम मार्क्स वाले, फिर और कम मार्क्स वाले, ठीक है भैया। अभी देखिए रिवीजन की बात अगर करें, चैप्टर्स तो भैया नहीं समझा पाएंगे, मेरा नंबर आपको दिख रहा है, ग्रुप में भी दिया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है भैया। नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे, कोई डाउट वाउट पूछना हो तो मुझसे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, पूरी रात कभी भी किसी भी समय, आप एग्ज़ाम से पहले तक मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और मेरे से पूछ लीजिएगा कोई भी आपको डाउट लगे, तो बस अच्छे से पढ़ाई कर लो जो भी करना है रात को भी। वैसे तो खैर अब तो पढ़ाई, ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है ना कि वन नाइट स्टैंड वाली कहानी नहीं है इसकी, वो तो थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं। इस सब्जेक्ट में एक रात जाग के झंडे नहीं गढ़ने वाले, ये पक्की बात है, लेकिन फिर भी प्रयास हर किसी को करना चाहिए, प्रयास करना मानव का पूर्ण अधिकार है, तो आप लोग प्रयास करिए। और जो मैंने टिप्स दिए हैं, उम्मीद करता हूँ कि इन टिप्स को थोड़े बहुत काम में लाएंगे आप, और जो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो इससे भी अच्छे टिप्स वहाँ पर दे रखे हैं, तो उस क्लास को आप देख लोगे एक बार तो देखना, 2020 का पेपर मैच कर लेना आप, जिस तरीके से मैंने बताया था 2020 के क्वेश्चन पेपर में डिट्टो उसी तरीके से क्वेश्चन आए थे, लोगों ने उसी तरीके से मैनेज किया था। अभी क्या है कि नए सिलेबस से पेपर हो रहा है, वरना तो आपको पता है कि जो क्वेश्चन मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बना के सेंड करता हूँ एग्जैक्ट ही मिलते हैं, फिर भी इस बार प्रयास किया है मैंने, आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, बाकी सबका अच्छा अच्छा जाएगा, ऐसी आप लोगों को पूरा पूरा आशीर्वाद है हमारा,
चलिए बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही। जेई का बैच निकालने वाले, वैसे भी आपको बता ही दिया था मैंने, ये मिल जाएगा आपको आज शाम तक, और उस सभी बैच को सभी लोग जल्दी से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और बहुत बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आप सभी को मेरा।